Hello everyone, good evening to all from me. कैसे बेटा आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, बढ़िया से रहिए। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये बेस्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। खास तौर से आज का जो विषय है बेटा वो लॉर्ड हेस्टिंग्स पर आधारित है, जो कि भारत में अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता का संस्थापक था। जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ आज थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट, क्या बात है, ठाकुर साहब और अजय कुमार और तमाम लोग आज मौजूद हैं बेटा। गुड इवनिंग आप लोगों को, सब लोगों को। और क्या बात है, आज राम अनुज साहब, अखिलेश सती साहब, कोमल मिश्रा और अजय कुमार और ठाकुर साहब और तमाम मेरे फ्रेंड, बेटा बहुत बहुत गुड इवनिंग आप लोगों को मेरी तरफ से। और चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स पर आधारित है। ओके, अब बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यूपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन काफ़ी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लॉर्ड कार्नवालिस और वेलेजली और तमाम लोगों को पढ़ा, लेकिन आज हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग बहुत सारी क्वेरीज करेंगे इनके बारे में। राहुल त्रिपाठी और माला कुमारी, अंकित सैनी और विपिन कुमार, नीरज पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बेटा। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। सुबह में हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बात की और आज शाम को मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं बिना किसी लेट के, बिना किसी देर के, आ जाइए। तो शुरुआत करते बेटा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं खान अकेडमी आपको कितने प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव क्विज हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स। और ये हैं हमारे एजुकेटर्स जो अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एजुकेटर्स, ये हैं हमारे एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है बेटा। यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बहुत से स्टूडेंट अभी आए नहीं है, धीरे धीरे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो बेटा शुरुआत धीरे धीरे हो रही है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, खरामा खरामा धीरे धीरे जुड़ रहे हैं वो लोग, तो मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स बेटा ध्यान देना है कि देखिए आज है 11 जुलाई, कल संडे के दिन क्लास कोई भी नहीं है, कल संडे की मेरी क्लास ऑफ है, लेकिन 13 जुलाई से आपको सुनना पड़ेगा, एक जरूरी ऐलान है।
ऐलान ये है बेटा कि 13 जुलाई यानी मंडे के दिन से मॉडर्न हिस्ट्री की यही जो क्लास है, आपको पता ही है धीरे धीरे ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है ये जो है एक हफ्ते के लिए यानी 13 से लेकर 19 जुलाई तक ये अनअकैडमी के प्लस चैनल पर चलेगी, है ना। और ये एक स्पेशल क्लास के रूप में हो गया ना बेटा, आपको पता ही है कि 13 से लेकर 19 जुलाई तक स्पेशल क्लास कंटिन्यू है मेरी और मॉडर्न हिस्ट्री ही चलेगा, यही सारे टॉपिक्स रहेंगे। शर्त यह है कि आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं, अब आप लोगों से मेरी मुलाकात जो है वो एक हफ्ते के लिए अनअकैडमी के प्लस चैनल पे होगी। तो मैं बार बार आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ बेटा कि अगर जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते वो लोग सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ सर्च के ऑप्शन में आप लोग जाइए और यहाँ पर मेरा नाम सर्च कर दीजिए, MOHDNADIM। इसके नीचे बेटा फॉलो का बटन है तो आप मुझे सबसे पहले फॉलो करिए क्योंकि ये जरूरी है ताकि जो है आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। और साथ में बेटा एक एक शब्द है नोटिफाई मी, वहां पे लिखा होगा इंग्लिश में नोटिफाई, नोटिफाई मी, है ना। तो वहां पे आप जो है नोटिफाई का मतलब होता है कि अनअकैडमी पूछ रही है आपसे कि क्या आपको वो मैसेज करें, तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे ऑफ बटन क्लिक कर दीजिएगा तो आपको टाइम टू टाइम अनअकैडमी की तरफ से वो भेजे जाएंगे मैसेजेस कि आपकी क्लास कब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बेटा, तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी साहब, वो भी अनअकैडमी का ऐप है, ये भी यूट्यूब है, नेटवर्क सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनअकैडमी के प्लस चैनल पर 13 तारीख से क्लास शुरू होगी हम लोगों की, यानी आज जो है यूट्यूब पर क्लास है, संडे को ऑफ है और मंडे से आप लोग प्लस चैनल पे आइए। और मेरा मुझे बेटा बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार रहेगा अनअकैडमी के प्लस चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर प्लस चैनल पे आइएगा। 13 जुलाई से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पढ़ेंगे, इसी का अगला जो टॉपिक होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री रेगुलर चलेगी यानी कंटिन्यू रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत से मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री को आप ख़त्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तो स्पेशल क्लास में भी बेटा हम मॉडर्न हिस्ट्री लेने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा 13 जुलाई मंडे के दिन। समय बेटा यही रहेगा सेम टू सेम, समय 8 बजे से लेके 10 बजे तक रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। टाइम बिल्कुल यही रहेगी बेटा 8 बजे से 10 बजे के बीच में, थोड़ा सा आप लोग माहौल बदलिए, जाहिर सी बात है कि कम से कम आप जो है थोड़ा वहाँ आइए, थोड़ा सा नया माहौल देखिए, नई चीज़ें देखिए, वहाँ प्लस के बच्चों से आपकी मुलाकात होगी, इंटरेक्ट होंगे आप लोग, तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो बच्चे अनअकैडमी के प्लस चैनल पर सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ 2 सालों का प्लान है बेटा, या तो 1 साल या फिर 2 साल। साल भर की सब्सक्रिप्शन फ़ी 44,000 रुपीज़ है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड MNUS यूज़ करोगे तो फीस आपकी 10% कम हो जाएगी और हो जाएगी 39,600 रुपीज़ ओनली। अगर आप 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं तो मैं आपसे बता दूं कि इसकी फ़ी है 64,000 रुपीज़ ओनली। अगर आप मेरा प्रोमो कोड एडमिशन के समय, सब्सक्रिप्शन के समय MNUS यूज़ करोगे, अगर आप मेरा प्रोमो कोड MNUS यूज़ करेंगे तो फीस 10% आपकी कम हो जाएगी और हो जाएगी 57,600 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर बेटा एक बात मैं बता दूँ कि अनअकैडमी का प्लस चैनल शानदार है, उसमें बेहतरीन एजुकेटर से सजा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आप लोगों को जाने के बाद एहसास होगा कि ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस जो है अगर आप कंपेयर करोगे तो मात्र 1/4 ही पड़ता है अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन भी। तो आप अपने घर पे रह के, अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर आप ऑनलाइन जो है कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा बेटा कि जिन बच्चों ने इरादा बनाया है वो ज़रूर अनअकैडमी के प्लस चैनल पे आएँ और यूज़ करिए मेरा प्रोमो कोड MNUS और 10% जो है अपने सब्सक्रिप्शन फी में बेनिफिट पाइए। तो आइए बेटा आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पर फ्लो हो चुका है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, दिस इज आवर टॉपिक ऑन द स्क्रीन एंड सी हिम, ही इज अ लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर
जाहिर सी बात है बेटा, हम लोग इतने टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं और इतने टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज बेटा याद रखिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक लॉर्ड कलायू था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद को मजबूत करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कार्नवालिस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विस्तार करने वाला व्यक्ति जो है लॉर्ड वेलेजली था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक शक्ति बनाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसको आपको नोट करना होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका मैंने क्लियर करवा दिया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक रूप पर एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने का श्रेय जाता है किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स हमेशा इस बात पर यकीन करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विजेता है, अंग्रेज भारत में एक विजेता है, तो किसी भी भारत के राजा के साथ वो बराबर नहीं हो सकते, बल्कि वो होंगे सर्वश्रेष्ठ। तो जाहिर सी बात है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वश्रेष्ठता का जनक कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स को। नोट कर लीजिए बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सबसे पहले यही आएगा। ठीक है बेटा, तो साउंड आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? आवाज में साउंड के लेवल पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? किसी को भी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, अखिलेश सती और रितिका शर्मा, खुशबू सिंह, शुक्रिया बेटा बहुत बहुत। और गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सारे मेरे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और ऑल क्लियर एस रचयिता और तमाम लोग जो हैं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो है हम लोग बेटा बात करेंगे, मुनाजिर मुश्ताक साहब आप अपने एंड से देख लीजिएगा, शायद आपका वॉल्यूम कम हो, क्योंकि मैं तो बेटा नाश्ता वगैरह करके बैठा हूँ तो ठीक ही है। लाजवाब है आप लोग। तो चलिए आइए बेटा हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये आज हम लोगों का टॉपिक, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं, बड़ी खूबसूरत टॉपिक है और मैं यही कहूंगा बेटा कि अंत तक मजा लीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस टॉपिक को। बाकी कुछ नहीं, हिस्ट्री को एक ऐसा सब्जेक्ट मान के चलिए जो एंजॉयमेंट से है। हिस्ट्री को कभी बेटा बर्डन नहीं लेना है, अगर बर्डन लेंगे तो कभी हिस्ट्री आपको आएगी नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक ये इनका ड्यूरेशन रहा है। नोट कर लीजिए बेटा, 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक। तो जाहिर सी बात है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत में आया तो पहली चीज मैं आपसे बताऊं कि हिंदुस्तान के राजा बादशाह उस समय मौजूद थे, वो मुगल बादशाह, मुगल शहनशाह मौजूद, यानी पहली हेडिंग आप डालेंगे बेटा मुगल बादशाह से व्यवहार। मुगल बादशाह से व्यवहार, बिहेवियर टू द मुगल एम्परर बाई लॉर्ड हेस्टिंग्स। मुगल बादशाह से व्यवहार, ये पहला हम लोगों का हेडिंग होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। दरअसल
लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने से पहले भारत में मुगल बादशाहों का जो आडंबर था वो अभी भी बरकरार था। जो भी गवर्नर जनरल आते थे वो हाजिरी देते थे, बादशाहों से मिलते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी जो शक्ति थी वो एकदम कम हो चुकी थी, या कह सकते हैं बेटा कि एकदम समाप्त हो चुकी थी। कहीं कहीं तो अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे मुगल बादशाह। तो जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नर जनरल उस जमाने में आते थे, एक फर्जिफिकेशन था कि वो लोग मुगल बादशाह से मिलने के लिए उनके दरबार में जाते थे, फिर उसके बाद कुछ औपचारिकता होती थी मुगल दरबार की। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले मैं बता रहा हूँ, 1813 ईस्वी से पहले की बात। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत में आता है, जब वो कलकत्ता में आया, तो भाई उसको भी जाना था मुगल बादशाह के दरबार में। तो उस जमाने में लोग होते थे, कारिंदे होते थे, उन्होंने बताया कि हुजूर आप मुगल बादशाह के दरबार में जब जाएंगे तो कुछ दरबार के दस्तूर होते हैं, उसको निभाना होगा। जैसे आप कैसे मिलेंगे, कैसे अभिवादन करेंगे, तमाम चीजें। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कौन है। तो उन लोगों ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। कहा ये बताओ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली है और मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल हूं, तो मैं मुगल बादशाह के सामने अभिवादन क्यों करूंगा। या तो वो हो कि वो मेरे दरबार में आए, या फिर मैं उनके दरबार में जाऊं तो बराबरी के साथ जाऊं, क्योंकि हमने भारत को विजय किया है। वी आर द विनर, वी आर नॉट द लूजर। तो हमारा जो बिहेव होगा बादशाह के साथ वो क्या होगा बेटा, समान होगा, यानी बराबर होगा। और अगर मुगल बादशाह ने मुझसे बराबरी के साथ बिहेव नहीं किया तो मैं उनके दरबार में नहीं जाऊंगा किसी भी प्रकार का अभिवेदन करने के लिए। आई विल नॉट गो देयर। अगर जो सिमिलरिटी का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा तो मैं जो है मुगल बादशाह के दरबार में नहीं जाऊंगा। और कहा जाता है कि यही कारण था कि इसके बाद जो गवर्नर जनरल आया लॉर्ड एमहर्स्ट, तो एमहर्स्ट के साथ मुगल शहनशाह ने बराबरी का व्यवहार किया था। बाकायदा दोनों ही जो शासक थे वो बिल्कुल आमने सामने मिले, बराबरी से मिले, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं था। तो पहला एक सवाल जो बनता है बेटा यहाँ पर कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने बराबरी की बात की, सिमिलॉरिटी की बात की, कि मैं मुगल बादशाह के दरबार में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बादशाह मेरे साथ बराबरी का बिहेवियर नहीं करता। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गवर्नर जनरल, है ना, क्या नाम था उस गवर्नर जनरल का? तो देन यू विल से ही वॉज लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह से बराबरी की बात की, सिमिलरिटी की बात की, और उसने तर्क रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ विनर नॉट अ लूजर, हम विजेता हैं, इसलिए हम किसी के दरबार में जाकर वहां झुकने का काम नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप इसको नोट करेंगे, और उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नोट कर लीजिएगा बेटा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह के दरबार में इसलिए जाने से मना कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह के दरबार में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुगल दरबार में जाने के बाद वहां दरबारी रस्मों रिवाज का पालन करना पड़ता था। मुगल दरबार में जाने के बाद वहां दरबारी रस्मों रिवाज का पालन करना पड़ता था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बेटा गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करता था। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको नोट करिएगा, लिखिएगा कि यही कारण था कि 1827 में जब लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बन के आया, यही कारण था कि जब 1827 में लॉर्ड एमहर्स्ट
लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बन के आया, तब उसके साथ मुगल बादशाह ने बराबरी का व्यवहार किया। उसके साथ मुगल बादशाह ने बराबरी का व्यवहार किया। मुगल बादशाह ने बराबरी का व्यवहार किया। तो देख रहे बेटा कि इसने एक तरह से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक कई सौ सालों का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और इसने साबित कर दिया कि जो विजेता होगा वो बराबरी से मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल बादशाह के रस्म और रिवाज का पालन नहीं करेगी। तो नोट कर लीजिएगा बेटा इस लाइन को, नोट कर लीजिएगा। और यानी पहला हेडिंग हमने डाला था मुगल बादशाह से व्यवहार पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल दरबार में इसलिए जाने से मना कर दिया था क्योंकि वहां जाने के बाद मुगल दरबार के रस्म और रिवाज का पालन करना होता था और बादशाह को वरीयता देनी पड़ती थी। एक चीज और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में इसके पहले एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बक्सर की लड़ाई के बाद ही जो है वो विजेता बन गई, फिर उसने मुगल बादशाह को क्यों बना के रखा। तो इसके कई कारण थे बेटा। पहला कारण ये था कि मुगल बादशाह को एक कठपुतली के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के रखा ताकि जो है भारत के लोगों को ये पता ना चले कि भारत जो है वो हार चुका है या भारत के जो बादशाह हैं, भारत के जो शासक हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि इससे विद्रोह होने के चांसेस ज्यादा थे। ये भी मैंने बताया था कि वो अंग्रेज इसलिए भी बादशाह को हटाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए भी उसे दबाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा पैदा हो जाता। तो एक तरह से देखा जाए ना तो एक आप कह सकते हैं कि डमी के तौर पर, एक कठपुतली के तौर पर मुगल शहनशाह को बना के रखा गया था। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि क्यों है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले क्यों जो है बादशाहों को बना के रखा गया, तो आपका आंसर होगा कि वो इसके कारण ये थे कि पहला कि भारत में विद्रोह ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान की जो जनता थी वो बादशाह में आस्था रखती थी। आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई तो सैनिकों ने सबसे पहले मेरठ में आके ये सोचा था कि हम कहाँ जाएं, हम कलकत्ता जाएं कि हम दिल्ली जाएं। अंततः सैनिकों ने डिसाइड किया कि हमें दिल्ली चलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से दिल्ली में उनकी आस्था विद्यमान थी, मुगल बादशाह में उनकी आस्था विद्यमान थी। तो देखा आप लोगों ने, तो यही कारण था। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी इस मुकाम पे पहुंच चुकी थी कि वो अब लाउडली बोल सकती थी कि वी आर द विनर, हम विजेता हैं, हम विजेता हैं, हम विजेता हैं। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें एक्चुअली में ना होता क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी टॉपिक पर। अब अगर मुगल बादशाह से व्यवहार पर प्रश्न कभी मान लीजिए आ जाता है तो आप इसका आंसर बड़ी ही खूबसूरती के साथ दे सकते हैं। ठीक है, अब जो है आइए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये बड़ा दमदार, सबसे बड़ी चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा दमदार किस्म का ये गवर्नर जनरल था। ये बहुत ज्यादा लॉग लपेट में बिहेव नहीं करता था और बड़ा इनोवेटिव किस्म का आदमी था। एक्चुअली में ये ऐसा आदमी था कि आमने सामने में ज्यादा यकीन रखता था। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। तो क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। तो चलिए हम इसको मिटाने जा रहे बेटा, जाहिर सी बात है। और अब हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। यहां बताइए आपको क्लियर हो रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं? मेरी आवाज क्लियर है? आप लोग इंजॉय कर पा रहे हैं इस टॉपिक पर? ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं दीवानशी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं बेटा। बस एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, मुगल बादशाह से व्यवहार, और आप जो है इस टॉपिक को देख सकती हैं। कभी भी वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको जो है देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज के टॉपिक को। और ना प्रशासनिक सुधार हम लोगों का हेडिंग होना चाहिए, तो आप हेडिंग डालिए
प्रशासनिक सुधार, ओके। हेडिंग डालिए बेटा प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। प्रशासनिक सुधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार। तो चलिए देखा जाए कि इन्होंने क्या प्रशासनिक सुधार किया था। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि पहला प्रशासनिक सुधार हम देखेंगे। एक्चुअली में ये भारत का गवर्नर जनरल था, और आपको मैंने बताया, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था, क्या किया था बेटा? जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा? ब्रिटिश साम्राज्य को तीन भागों में बांट दिया, बांटा। पहला भाग था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा भाग क्या था बेटा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके। और तीसरा जो भाग था वो था मद्रास प्रेसिडेंसी। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी अंग्रेजों ने भारत को जीतने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को तीन भागों में बांट दिया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके बेटा। तो यहां बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, कहीं ना कहीं से देखेंगे आप तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका तीनों ही प्रेसिडेंसियों पे प्रभुत्व माना जाता था। एक्चुअली में वो गवर्नर जनरल होता था। बाकी जो दो प्रेसिडेंसियों में जो एम्परर होते थे, जो शासक होते थे, उनको गवर्नर कहा जाता था, सिंपली तौर पर। ठीक है, कलर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सोनम यादव, मोनूराज, उमेश यादव, प्रमोद दुहा और तमाम मेरे फ्रेंड्स, मनीष सिंह। प्रेसिडेंसी का मतलब बेटा ये हो गया क्षेत्र। प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंसी। क्लियर हो गया बेटा? प्रेसिडेंसी का मतलब होता है क्षेत्र जहां पर प्रेसिडेंट शासन करता हो, जहां पर कोई अध्यक्ष शासन करता हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं साहब। आपने अगर नोट कर लिया होगा तो अंग्रेजों ने भारत को जीतने के बाद इसे तीन प्रेसिडेंसियों में बांटा, बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है ना? प्रेसिडेंसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्रेसिडेंस से बना है प्रेसिडेंसी, जहां पर गवर्नरों का शासन था, जहां पर अध्यक्ष का शासन था, प्रेसिडेंट का शासन था। ओके। ये कुछ यूरोपीय रूल के रिगार्डिंग ये नाम रखा गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे पहले प्रशासनिक सुधार के, है ना। क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद, भारत में आने के बाद इन्होंने कौन सा रिफॉर्म किया? आइए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि तब मद्रास प्रेसिडेंसी की हम बात कर रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक बड़ा बेहतरीन आदमी गवर्नर बन के आया था। कहा जाता है कि बड़ा काबिल आदमी था। एक्चुअली में ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के अंदर भी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो कुछ इंटेलिजेंट अंग्रेज होते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा इनके ऊपर था कि वो लोग जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते। उनको दबाव में आकर कुछ ऐसा करना ही पड़ता था जो हमारे लिए गलत था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, ये 1820 ईस्वी की बात है, यहां के गवर्नर थे सर टॉमस मनरो। क्या नाम था बेटा? टारस टॉमस मनरो। आपको ध्यान आ गया होगा, टॉमस मनरो बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का इंसान था। कहा जाता है कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, और कहीं ना कहीं से
ये बंगाल प्रेसिडेंसी के स्थाई बंदोबस्त से बड़ा प्रेरित था। यह चाहता था कि मद्रास में भी कुछ ऐसा ही स्थाई बंदोबस्त हो जाए। मद्रास में कुछ ऐसा ही फिक्स मैनेजमेंट हो जाए। आपको पता ही होगा कि स्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था बेटा, कॉर्नवालिस ने किया था ना, यह चीज मैंने पढ़ाया था। किसी तर्ज पर इसने मद्रास में भी यह चाहता था कि किसानों के साथ सरकार का एक समझौता हो जाए। देख रहे हैं आप, यानी किसानों के साथ सरकार का समझौता हो जाए। अब यहां पर यह विचार कर रहा था कि क्या करें, बीच में हम भी जमींदार को डाल दें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त में जमींदार को क्या माना था बेटा, जमीन का असली मालिक माना था। तो यह बड़ा कंफ्यूज था कि क्या करें, जमींदार को असली मालिक बना दें। लेकिन जब इसने स्थाई बंदोबस्त का जो है वो निरीक्षण किया, जब इसने वहां पता लगाया, तो पता ये चला कि जमींदारों ने बड़ा गलत काम किया। इन लोगों ने किसानों पे जुल्म किया, जबरन किसानों से टैक्स वसूला और कहीं ना कहीं से ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान भी पहुंचाया। तो इसने ये सोचा कि कमाल है, खेत को किसान बोता है, दिन रात मेहनत के बाद फसल पैदा करता है और बीच में जो मलाई है ये जमींदार लोग मारते हैं, ठीक है, कोई नहीं। इसने क्या सोचा बेटा कि बीच में जो मलाई है, बीच में जो फायदा है, ये जमींदार मार लेते हैं, ठीक है। तो इसने सोचा कि भाई जमींदार जो है किसान से भी खाता है और सरकार से भी खाता है, तो क्यों ना हम इस जमींदार को हटा दें और हटाने के बाद हम डायरेक्ट किसानों की तरफ चलें, हम सीधे किसान से बात करें। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा, क्योंकि जो मलाई जो है जमींदार किसान से मारता था वो किसान के पास रहेगा और जो सरकार से मारता था वो सरकार के पास रहेगा। इसलिए इसने क्या किया बेटा, इसने डायरेक्ट किसानों से बात की और यही कारण है कि एक व्यवस्था बनाई गई मद्रास में जिसको कहा जाता है, ये भू राजस्व व्यवस्था थी बेटा, जिसको कहा जाता है रैयत वाड़ी व्यवस्था। क्या कहा जाता है बेटा, रैयत वाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, रैयत वाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हालांकि हम लोग इसकी डिटेल पर कभी बात करेंगे, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भू राजस्व व्यवस्था पे हम लोग अलग से क्लास लेंगे, अभी हम फिर इतना बता रहे हैं कि रैयतवाड़ी भू व्यवस्था की शुरुआत जो है वो सर टॉमस मनरो ने की थी। ये प्रश्न आईएएस में 2011 प्रीलिम में पूछा गया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। दूसरी चीज ये है कि लगातार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता रहा एग्जाम में कि मद्रास में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था क्या थी और इसका संस्थापक कौन था और कब ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो लगभग 1820 ईस्वी में मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यवस्था है ये दक्षिण भारत में लागू की गई सर टॉमस मनरो के द्वारा, तो नोट कर लीजिएगा बेटा। और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। एक्चुअली में अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं चाहता तो इतनी आसानी से ये रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू नहीं होती, बट लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज अ इनोवेटेड पर्सन, वो कुछ नया करना चाहता था, इसलिए उसने कहीं ना कहीं से जो है टॉमस मनरो को मौन स्वीकृति दे दी कि भैया आप करिए, हमें बस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए बेटा इस लाइन को, जी बिल्कुल, जिसे काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता, बिल्कुल नोट कर लीजिए बेटा इसको, लिख लीजिएगा बेटा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही मद्रास प्रेसिडेंसी में सर टॉमस मनरो ने रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। यह व्यवस्था लगभग 1820 ईस्वी में शुरू की गई, यह व्यवस्था लगभग 1820 ईस्वी में शुरू की गई
व्यवस्था में ये प्रावधान था, इस व्यवस्था में ये प्रावधान था कि सरकार जमींदारों से बात न करके सीधे किसानों से कर वसूलेगी। इस व्यवस्था में ये प्रावधान था कि सरकार जमींदारों से बात न करके सीधे किसानों से टैक्स वसूलेगी, सीधे किसानों से कर वसूलेगी। क्लियर हो रहा है बेटा ये चीज? मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। एक्चुअली मैं अब, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, इसमें टैक्सेशन सिस्टम था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे। हम जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम अलग से इस टॉपिक को एक जगह पे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी बस इतना ही, आप इसके बारे में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बेटा ये लॉर्ड हर्जिंगस का है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ भू राजस्व व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। आगे हम लोग अलग एक टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपसे बताऊं कि ये एक कोशिश थी सर टॉमस मनरो की, लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद भी दक्षिण भारत में किसानों की कमी जो है, सॉरी किसानों की परेशानी जो है वो कम नहीं हुई। कहा जाता है कि उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त में कम से कम जमींदार भारतीय होते थे, तो कभी कभी वो किसानों पर रहम कर देते थे, लेकिन अब जो है कंपनी नामक दैत्य किसानों के सामने आ चुका था, जिसके पास रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से तो बेटा ऐसा लगता है कि कंपनी ने किसानों पर एहसान कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि कंपनी ने किसानों पर इतना प्रेशर किया, इतना दबाव बढ़ाया कि किसानों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ये बात के जो सर्वे हुए थे उसमें ये रिजल्ट आया। तो नोट कर लीजिए बेटा इस लाइन को, और उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक सुधार हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, इसमें हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है बेटा कि परिवार का जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, उसकी जब तक स्वीकृति नहीं मिलती तब तक फैमिली के अंदर कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं से लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो मौन स्वीकृति थी वो सर टॉमस रो के साथ थी, जिनके कारण उन्होंने रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में कर दी। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में डिटेल बेटा हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक अलग टॉपिक में बताएंगे। इसलिए अभी चूंकि ये गवर्नर जनरल का टॉपिक चल रहा है, तो अभी आप लोग जो है इसको एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। चलिए तो प्रशासनिक सुधार हम लोगों का हेडिंग है। ठीक है, अब दूसरे प्रशासनिक सुधार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ये जो प्रशासनिक सुधार हुआ था इसे कहते हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम। काश्त माने क्या होता है? काश्त माने किसान होता है ना। बंगाल काश्तकारी अधिनियम हेडिंग डालिए बेटा। एक मिनट, काश्तकार का मतलब होता है किसान और काश्त माने जमीन होती है। काश्तकार का मतलब किसान होता है और काश्त माने जमीन, जोती गई जमीन को काश्त कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ये क्या था भाई?
बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है बेटा, ये तकरीबन 1822 ईस्वी। कहा जाता है कि जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में शासन कर रहा था, जब रूल कर रहा था, तो उसने एक तरह से बंगाल का सर्वे वगैरह करवाया और उसको पता चला कि किसानों पर जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, यानी जमींदारों ने और सरकार के लोगों ने मिलकर किसानों की जमीनें छीन ली, जिससे किसानों को बड़ी तकलीफ हुई। किसान वैसे केवल खेती करता है, जमीन छिन जाने के कारण किसान बर्बाद हो जाता है। तो इसके शासनकाल में एक नियम पारित किया गया 1822 में, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। इस नियम में यह था कि किसी भी किसान की जमीन अगर किसान टाइम पर कर देता है, समय पर टैक्स देता है, समय पर अपना उधार अदा करता है, तो किसी भी किसान की जमीन को जब्त नहीं किया जाएगा, किसी भी किसान की जमीन को छीना नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा, किसी भी किसान को छीना नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 में बनाया गया, लॉर्ड कार्नवाल, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा बेटा कि बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम थी, इसमें यह कानून था कि अगर कोई किसान समय पर टैक्स अदा कर रहा है, समय पर सरकार का जो उधार है वो दे रहा है, तो उस गवर्नमेंट उसके जमीन को कभी भी जब्त नहीं करेगी। ये 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कानून बना दिया गया। नोट कर लीजिएगा बेटा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल